टोपी नहीं पहनने पर नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करने वाले कांग्रेस के लोग खुद भी टोपी पहनने से कतरा रहे हैं। भोपाल में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में ना तो सीएम कमलनाथ ने टोपी पहनी, ना दिग्गी राजा ने, ना मंत्री पीसी शर्मा और उनके समर्थकों ने। कांग्रेसियों के टोपी नहीं पहनने के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जब भी ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल होते थे तो टोपी पहनते थे, लेकिन मुस्लिम प्रेम जताने वाले कांग्रेस के नेताओं को टोपी पहनने से कब से परहेज होने लगा, ये आश्चर्य की बात है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस के नेता मुस्लिम परस्त होने के आरोप से बचना चाहते हैं। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा की जीत को कट्टर हिंदूवाद से जोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं और टोपी पहनकर कोई चांस नहीं लेना चाहते। पहले के सालों में कांग्रेस के इन्हीं नेताओं की टोपी पहने हुए कई तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन इस बार टोपी नहीं पहनना अलग ही कहानी कह रहा है। स्थिति ये थी कि ईद के लिए बने स्वागत मंच पर सिर्फ रजा मुराद ही टोपी पहने नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में जब कमलनाथ चले गए तब दिग्विजय सिंह ने जरूर थोड़ी देर के लिए टोपी पहन ली। एक खास बात और रही कि हमेशा ईद के मुबारकबाद देने वाले मंच पर मौजूद रहने वाले सुरेश पचौरी भी इस बार मंच से नदारद रहे।